नमस्कार, सच देखो डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। इंडिया वर्सेज इंग्लैंड पहला टेस्ट हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। जारी टेस्ट मैच के शुरुआती दोनों दिन भारत के नाम रहे। पहले दिन भारत के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के 246 रनों पर ढेर किया। वहीं मैच के दूसरे दिन भारतीय टीम ने पहली पारी में 7 विकेट खोकर 421 रन बना लिए हैं। भारत 175 रनों से आगे है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक रविंद्र जडेजा 81 और अक्षर पटेल 35 क्रीज पर मौजूद हैं। इंग्लैंड की ओर से टॉम हार्टली और जो रूट ने दो दो विकेट चटकाए। सुबह एक विकेट पर 119 रन से आगे खेलने उतरी भारतीय टीम ने पहले, दूसरे और तीसरे सत्र में दो दो विकेट गंवाए। भारत के लिए दिन की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिन के पहले ओवर में ही टीम ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल 80 रन का विकेट गंवा दिया। शुभमन गिल ने भी 23 रन की पारी खेली और वह टॉम हॉटली की गेंद को उठाने के प्रयास में मिड विकेट पर खड़े बेन डकैत को कैच देकर आउट हुए। श्रेयस अय्यर 35 रन ने 63 गेंद की पारी के दौरान बड़ी मुश्किलों का सामना किया। अय्यर ने अहमद की गेंद पर स्लो स्वीप खेलकर डीप मिड विकेट पर हॉटले को आसान कैच थमा दिया। केएल राहुल 86 स्पिनर टॉम हॉटले की हाफ ट्रैकर को पुल करने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर खड़े एकमात्र क्षेत्ररक्षक अहमद को कैच दे बैठे। तीसरे सेशन में केएस भरत 41 और अश्विन 1 रन बनाकर रनआउट हुए। जी हां, डिजिटल ब्रेकिंग में अभी की बड़ी खबर। भारत ने दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पहली पारी में 7 विकेट खोकर 241 रन बना लिए हैं। भारत की बढ़त 175 रन की है। तीसरे सेशन में भारत ने 34 ओवर में 2 विकेट खोकर 112 रन बनाए।